हमने पिछले लेक्चर्स में प्रोटीन्स के जनरल फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में वी विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एग्जिबिट फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। दीज आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। दीज फोर लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होगा। एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर ने सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को देखा था एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द जेनेटिक कोड। किसी भी प्रोटीन के लिए नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स यूनिक होता है और स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट आप प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स शो किया गया है। आगे हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। वो कॉइल करती रहती हैं और फोल्ड होती रहती हैं और हमें एक थ्री डायमेंशनल शेप देती हैं, जिसे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह का हो सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है एंड ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स कंटेन 3.6 अमीनो एसिड्स। दिस हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा प्लेटेड शीट्स। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें भी पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबल करती है। यहाँ पे हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। पॉलीपेप्टाइड चेन कीप्स ऑन बेंडिंग एंड फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ एंड इट फॉर्म्स अ थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत तरह की फोर्सेज होती हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अमीनो एसिड्स में मौजूद अल्काइल ग्रुप्स की जो साइड चेन है, या तो वो हाइड्रोफोबिक होगी या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो नॉन पोलर होगी, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई पोलर ग्रुप अटैच होगा। सो वी कैन से that in an aqueous environment, the most stable tertiary structure is that in which hydrophobic amino acids are buried inside, while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecule. मतलब किसी भी aqueous environment के अंदर proteins का globular structure इस तरह से होगा कि उसके polar groups बाहर की तरफ और उसके non-polar groups अंदर की तरफ होंगे। आगे हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा करती है। एक पेप्टाइड यूनिट के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह कि पेप्टाइड चेन के एक तरफ अमीनो ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप किसी एक अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक बॉन्डिंग। चूंकि प्रोटीन्स मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड से बनती हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, तो अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज अमीनो एसिड नजदीक आ जाए तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आगे हमारे पास है डाइसल्फाइड ब्रिज। जब हमारे पास सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स हों और उनकी फोल्डिंग हो जाए तो हमें एक और तरह की फोर्सेस देखने को मिलती हैं जिन्हें डाइसल्फाइड ब्रिज कहा जाता है। डाइसल्फाइड ब्रिज है क्या? इट इज एक्चुअली द कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन टू सल्फर एटम्स ऑफ टू सिस्टीन अमीनो एसिड्स। डाइसल्फाइड ब्रिज को डाइसल्फाइड बॉन्ड या SS बॉन्ड भी कहा जाता है, मीन्स सल्फर सल्फर बॉन्ड। आगे हमारे पास आ जाती है वंडरवाल्स फोर्सेस। दीज वंडरवाल फोर्सेस आर Also helpful in the stabilization of proteins. अगर हमारे पास कोई ऐसे मॉलिक्यूल हो जो कि नॉन पोलर हो, तो जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई
और उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस जनरेट होती हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दीज टाइप ऑफ फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू द बॉन्डिंग दैट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आगे हमारे पास है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब हमारे पास हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हों जो कि बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्रीगेशन से बनती हैं, तो वो हमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए अटैच होती हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन को सब यूनिट कहा जाता है। चूंकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बनता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, इट एग्जिबिट्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है एंड इट्स मेजर फंक्शन इज टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके चार सब यूनिट हैं, मतलब ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बनती है, जिनको जिनमें से दो अल्फा सब यूनिट्स और दो बीटा सब यूनिट्स हैं। यहाँ पे हम प्रोटीन्स का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये किस कदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बार बार एक दूसरे के इर्द गिर्द फोल्ड होने की वजह से बनता है। आगे हमारे पास है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन का मतलब है प्रोटीन्स के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब हो जाना। तो अगर प्रोटीन्स के सेकेंडरी या उनके टर्शरी स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो हम उसको प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन कहेंगे। कोई भी डीनेचुरेशन का प्रोसेस ऐसा नहीं है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ सके, बिकॉज दे आर टू स्ट्रॉन्ग। इसलिए किसी भी डीनेचुरेशन प्रोसेस या डीनेचुरेशन रिएक्शन के बाद प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, मतलब सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन रिमेन्स सेम। हमने प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा पीटेड शीट्स की बात की थी, डीनेचुरेशन के प्रोसेस के बाद वो हेलिकल स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाता है और हमारे पास एक रैंडम शेप बन जाती है। देर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड कंडीशंस दैट कैन कॉज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन प्रोसेस में प्रोटीन्स की कोगुलेशन या उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब हम वो एजेंट्स देखते हैं जो डीनेचुरेशन कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हीट। एग एल्ब्यूमिन हमारे पास एक जनरल एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन की। उसके बाद अगर कोई अल्कोहलिक रीजेंट हो तो वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अल्कोहल भी एक पोलर कंपाउंड है तो ये भी अमाइनो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अगर एसिडिक या बेसिक रीजेंट डाल दिए जाए प्रोटीन्स के अंदर तो वो भी प्रोटीन्स के नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसी तरह हैवी मेटल्स भी डीनेचुरेशन कॉज करती हैं और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं जो कि डीनेचुरेशन कॉज करते हैं। हैवी मेटल्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स का सेकेंडरी या उनका टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब।